मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पे बहुत से कमेंट आते हैं कि मेरा फेसबुक का वीडियो वायरल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक दिमाग लगाना है। मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे जो है आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, और मैं आईपीएल का सिर्फ एक वीडियो डाल के लास्ट 7 डेज में 13 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आया है, और जो भी वॉच टाइम का क्राइटेरिया है यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक वीडियो से मेरा जो भी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लिया है, और मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आप जो है सिर्फ एक वीडियो डाल के 13-14 मिलियन से ज़्यादा व्यूज ला सकते हैं। वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी मोनेटाइजेशन का इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एडिट भी करके बताऊंगा कैसे आपको एडिट करना है जिससे जो है मोनेटाइजेशन का कोई भी इशू शो नहीं होगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। गाइज, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियो वायरल नहीं होता, मेरा वीडियो वायरल नहीं होता फेसबुक पे, तो यहाँ पे एक दिमाग लगाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी का फोटो, यहाँ पे मेरा फोटो है, और बीच में जो है धोनी रिव्यू सिस्टम है। इसको मैं अगर आप क्रिकेट आईपीएल कुछ भी वीडियो इस तरीके से एडिट करते हैं तो आपको कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डेज हुआ है मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, और यहाँ पे व्यूज देख सकते हैं यहाँ पे 3,17,000, और यहाँ पे लाइक देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, और मैं अपने प्रोफाइल का जो रीच है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लास्ट 7 डेज में। जैसे कि मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ से सीड डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं सी मोर इनसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में 14 मिलियन से ज़्यादा जो है पोस्ट रीच है, और इंगेजमेंट की बात करें तो 1.2 मिलियन, और यहाँ पे मेरा जो है लास्ट 7 डेज में यहाँ पे 3400 फॉलोवर्स जो है यहाँ पे गेन हुआ है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर वीडियो की, तो यहाँ पे जो 3 सेकेंड का जो लेंथ है मेरे व्यूज़ का वो यहाँ पे 80 लाख, जैसे कि 8.5, 80 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पे 3 सेकेंड का जो वीडियो व्यूज़ है। और मैं बात करूं 1 मिनट से ज़्यादा का जो वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 लाख से ज़्यादा, जो कि 3 लाख पहुँचने वाला है। तो ये तरीके अपना के आप जो है अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडिट करना भी बताऊंगा, और मैं चलता हूँ काइन मास्टर में, और मैं आपको एडिट करके भी बताऊँगा। मैं आ गया हूँ काइन मास्टर पे, और मैं यहाँ से काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन का ऑप्शन शो होगा। फेसबुक वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रेशियो आपको सेलेक्ट करना है 9.16 फेसबुक वीडियो बनाने के लिए। अगर आप यूट्यूब के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर 16.9 रेशियो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहां से 9.16 रेशियो को सेलेक्ट कर लेता हूं, और मैं यहां से एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूं। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद ये राइट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जितना लेंथ रखना है आप इस पे क्लिक करके लेंथ को जो है बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लेंथ को बड़ा कर लिया हूँ। उसके बाद अगर आपको वायरल वीडियो कराना है तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है टाटा आईपीएल का वीडियो, आपका जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है टाटा आईपीएल का उसको आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसके बाद ये आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एक वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ, और मैं उस वीडियो को यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस टीम का है उस टीम का कैप्टन या जो प्लेयर्स है उसका फ़ोटो को आपको यहाँ पे लगाना है। तो सिंपली आप लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही मीडिया वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से अपने एक फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जूम करके इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना है, यहाँ पे मैं इसका लेंथ जो है यहाँ पे मैं इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से लेयर पे क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद मेरा जो इमेज है मैं यहाँ से अपने इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मैं अपने इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अपने इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ से मैं अपने इमेज को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। राइट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSK वेस राजस्थान। यहाँ से जो मैच है मैं यहाँ से इस तरीके से इसको राइट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो कॉलर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से रेड कलर को चूज करता हूँ और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। और इसका जो वैल्यूम है, जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करके आपका ये जो भी मैच का वैल्यूम है इसको कम कर देना है, 0% कर देना है और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी वीडियो का ऑडियो है यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद आपको वॉइस ओवर करना है, जैसे कि आप वॉइस आपको यहाँ से वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर करने के बाद जो है आपको ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। और जैसे ही आप एक्सपोर्ट करके अपने फेसबुक पे डालते हैं तो यहाँ पे कोई भी मोनेटाइजेशन इश्यूज आपको शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से आप अपने वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं।